काफी जगहों पे लॉ ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है पिछले कुछ महीनों पर, इस पे हमें और गंभीरता से काम करना चाहिए। अपराध की आंखों में आग डालिए और खौफ से कांप जाइए, क्योंकि सूबे के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी खुद सूबे की कानून व्यवस्था पर ध्यान देने की वकालत कर रहे हैं। सूबे में कानून कहाँ है इसकी तलाश जारी है। जब तक आप, हम और सूबे की जनता सुरक्षा पर सवाल करें, सोचें, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की चिंता हमारी चिंता है और उनका डर हमारा डर है। हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर पर और ध्यान देना चाहिए। अभी हाल में जो घटनाएं हुई हैं उसमें सरकार पूरी तरह गंभीर है और हमने कदम भी उठाए हैं ताकि इन चीज़ों को कंटेन किया जाए, ये दोबारा रिपीट ना हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि लॉ एंड ऑर्डर, चाहे वो धौलपुर की घटना हो, अलवर की घटना हो, बहरोड की घटना हो, काफ़ी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है पिछले कुछ महीनों पर, इस पर हमें और गंभीरता से काम करना चाहिए। सूबे के बिगड़ी कानून व्यवस्था पर संगठन की भी सांसें फूली, चिंता की चिता पर मंथन की अंगीठी पक रही है। सरकार चिंता में है, गंभीर है, हालात से लड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल फिर वही, संगठन और सरकार दोनों का कानून व्यवस्था पर ही सवाल है। सचिन पायलट ने चिंता व्यक्त की है, मुख्यमंत्री जी ने इसमें पहल पहले ही कर चुके और पूरे प्रदेश के अंदर में किस प्रकार से चुस्ती के साथ में पुलिस प्रशासन और चुस्ती के साथ काम कर सकता है और इस प्रकार की जो अप्रिय घटनाएं हो रही हैं उनको किस प्रकार से लगाम लगाई जा सकती है, रोका जा सकता है, उसके ऊपर में राज्य सरकार ने बहुत सख्ती के साथ कदम उठाया है। सरकार के सवालों के बाद विपक्ष की बाँछें खिल गईं। सरकार की सांसों पर बयानों के गोले दाग कर विपक्ष ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस्तीफे की मांग की। थाने बिखरे, अधिसंघ थानों में अपराधियों का गठजोड़ है, माफिया थाने वालों से मिल गए, जो पुलिस है सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए इस सरकार को दो मिनट भी रहने का हक नहीं है। अशोक गहलोत गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनको नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बैठक पर बैठक कर रही है, पुलिस कप्तान से लेकर सबको नसीहत कर रही है, हाथ से निकले सूबे के हालात पर चिंतन कर रही है, लेकिन बदमाश गुंडे मवाली सीएम के मंथन पर गोली मारकर थाना लूटे जा रहे हैं और पुलिस बंदूक की नाल साफ करती रह जा रही है। ऐसे में छोटे सरकार के सवालों ने सूबे की कानून व्यवस्था को शक के घेरे में ला खड़ा किया है। सवाल है कि क्या सिर्फ खबरदार बनने से लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर बदल जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहरहाल सोचिए कि जिस तरीके से सरकार से आम जनता उम्मीद लगाकर बैठी है, ऐसे हालात बन चुके हैं कि दिन दहाड़े फायरिंग की जाती है, दिन दहाड़े गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है, दिन दहाड़े अपराधी आते हैं, फायरिंग करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं और अपने मनमानी तरीके से अपराध को अंजाम देते फरार हो जाते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि इन पर कंट्रोल कौन करे? पुलिस पैसे के लालच में रख जाती है, सरकार की तरफ से ऐसा कदम उठाया नहीं जा रहा कि अपराधियों में खौफ हो, यही सवाल टटोलेंगे। चलिए रुक करते हैं सवालों की तरफ, एक एक करके परिचय करवाते हैं, सीधे उसके बाद सवाल लेंगे। बलवान पुनिया साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, माकपा विधायक, फोन लाइन पर दरअसल हैं। अलका सिंह गुर्जर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, और ओम सैनी साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गोरसिया साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं, जयपुर में इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम सैनी साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, पपला वाले मामले से ही मैं शुरुआत अगर करना चाहूं तो पपला भाग गया, सांप चला गया, लकीर पर लाठी सरकार पीट रही है, अपने ही सवाल उठा रहे विपक्ष और माकपा तो सवाल दागी रहा, सरकार क्या कर रही है इस वक्त? सूबे में कानून आखिर है कहां? संजय आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं देख रही है कि सरकार के जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो ये नहीं देख रहे कि पिछले 20 बरस में जिस तरीके से राजनीति ने जन संगठनों से हाथ छुड़ा करके अपनी हैसियत जातियों के माध्यम से बनाने की चेष्टा की है और जिस जाति के साथ में आप जुड़ गए और जाति को लेकर के आप जब सत्ता में आप होते हैं तो फिर उस जाति के जो जवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास में दिशा नहीं है, वो जो कुछ करते हैं उसका सब पिछले 20 बरस का इतिहास देख लीजिए। तीन जातियां मुझे बड़ी साफ साफ नजर आ रही जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है कि किस तरीके से प्रोटेक्ट करते थे और किस तरीके से सारा करने के बाद में जयपुर में आकर के उनके छत्र छाया में वो अपना राज चलाते थे, वही हाल अब मैं देख रहा हूँ। जो सरकार ये कह रहे हैं उनको चाहिए कि उन नौजवानों को रास्ता दिखाएं जो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो गौरव पुरुष हैं वो हमें रास्ता दिखाएंगे, और गौरव पुरुष सिर्फ आलोचना अगर करते तो उससे कुछ सामने आने वाला नहीं है, क्योंकि गौरव पुरुष सिर्फ अपनी अपनी राजनीति के अंदर कि हमारे सत्ता के साथ में क्या कुछ अंदर हो रहा है, संगठन में क्या हो रहा है, उस पर गौर
कर रहे हैं उस पे तंज कस रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि हमें सुधारना है और सुधारने के लिए हमें सवाल तो सर यही है कि सोचिए डिप्टी सीएम पद पर बैठा व्यक्ति अगर ये कहता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है और लगभग एक साल क्या 7-8 महीने हो चुका है चुनाव जीतने के बाद सरकार चलाने के बाद, वाकई में शर्मसार करने वाली बात नहीं है? विपक्ष सवाल उठाता समझ में आती बात, लेकिन अपनी निश्चित रूप से लेकिन संगठन में जो आदमी बैठा हुआ है उसको ये भी देखना है कि बाकी जन संगठन क्या कर रहे हैं हमारे। संजय अगर ये देखना भी बहुत जरूरी है कि उनके जन संगठन क्या कर रहे हैं, नौजवानों के संगठन क्या कर रहे हैं, छात्रों के क्या कर रहे हैं, किसानों के क्या कर रहे हैं, इसका मतलब संगठन का हालत कमजोर है। मैं बताऊं राजस्थान में देखिए सिर्फ दो मौके ऐसे रहे हैं जब जन संगठन मजबूत होते तो 156 सीटें कांग्रेस की आती है और जब जन संगठन बिखर जाते हैं तो उसके बाद में हालत क्या होती है देखा है, 20 सीटें रह जाती है। तो फिर हालत में पता ही नहीं चल रहा कि जन संगठन मजबूत होते तो कांग्रेस के पास 120 लेकिन हालात ऐसे बने कि सर किससे सवाल पूछा जाए, किस पर दबाव बने, कुछ नहीं पता चलने वाला। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अलका सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। सूबे में 147 लेकर बदमाश 10-12 की संख्या में थाने पर हमला कर देते हैं, बदमाश को छुड़ा ले जाते हैं, ये क्या हो गया है राजस्थान को? देखिए बहुत ही दुखद स्थिति है अगर मैं कहूं तो। सैनी साहब ने बहुत डिफेंस, पुनिया साहब मैं आपके पास आऊंगा, आप लाइन पे इसलिए इस बात आपके पास गवर्नेंस कहीं नजर नहीं आ रही है। क्यों गवर्नेंस कहीं नजर नहीं आ रही है और ये पारदर्शी संवेदनशील सरकार देने का वादा करते थे इन्हीं के सहयोगी, उनका उनकी संवेदनशीलता जागी और उन्होंने ये माना कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। आप देखिए अपराधों में 67% महिला अपराध में वृद्धि हुई है, महिलाओं के सम्मान की ये बात करते थे। और आप किसी भी जिले को देख लीजिए, अजमेर ले लीजिए, अलवर ले लीजिए, भरतपुर ले लीजिए, झुंझुनू ले लीजिए, सीकर ले लीजिए, कहीं भी कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां अपराध लगातार नहीं बढ़ रहे हों। महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है और दलित कहीं सुरक्षित नहीं है। दलितों के प्रति अभी 35 दलित महिलाओं के रेप हो चुके हैं और दलितों के खिलाफ अत्याचार निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी जो राजधानी, बहुत शर्म के साथ कहना पड़ता है, जो सबसे शांतिपूर्वक मानी जाती थी, आज अपराध की शरण स्थली बन गई है क्योंकि यहां गवर्नेंस नाम की चीज नहीं है। दो धुरियों पर टिकी हुई कांग्रेस सिर्फ आपस के झगड़े में पड़ी हुई है। आप देखिए राजधानी में हॉकर की खुलेआम हत्या हो जाती है, महिला थाने में जिंदा जल जाती है, न्यूज़पेपर वितरक बजरी की हत्या के मामले में सरकार ने जो किया है वो अति निंदनीय है। एक बुजुर्ग को कुचल देता है। मैम लेकिन ये बताइए अलका जी, ये बताइए कि छोटी छोटी बातों को लेकर बीजेपी को ये माना जाता है कि पूरे जिले में हर एक संगठन जिला इकाई तक जाकर सड़कों पर उतर जाते हैं। 9 महीने में ऐसे हालात हो चुके हैं, पहले थाना गाजी मामला होता है, बैरोड मामला होता है, जयपुर में पत्थरबाजी होती है, न्यूज़पेपर हॉकर को मारा जाता है, दूसरे अपराध होते हैं, आखिर क्यों ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने पुरजोर तरीके से सरकार को हिलाया? राजनीति के चक्कर में आम जनता असुरक्षित होती जा रही है, पुरजोर तरीके से बातों को उठाया है आप। राजनीति की बात नहीं है, हम जनता के साथ है। आप देखिए हमने हर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन भी किए और मॉब लिंचिंग के पहलू खां के मामले में जिसमें क्लीन चिट न्यायालय दे चुका है, उस मामले में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति अपनाई और वहीं के हरीश जाटव जिनकी की इसी उन्हीं परिस्थितियों में मौत हो गई थी, केस तक दर्ज नहीं किया गया, उनके पिता को आत्महत्या करनी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी का कैडर जब सामने आया, हम जब सड़कों पर आए तब उनके खिलाफ केस दर्ज होता है आरोपियों के खिलाफ। ये संवेदनशीलता है इस सरकार की, बताइए ना, बैरोड थाने पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, बैरोड हालात ऐसे हो गए हैं, पुलिस को लेकर सोचिए, पुलिस तो मालडोली में लगी हुई है, तो हास्यास्पद बड़े बेशर्मी के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ पुलिस मालडोली में लगी हुई है, ये कहना पड़ता है। सोचिए जिस पुलिस को हम सल्यूट करते हैं वो पुलिस मालडोली में लगी और अपराधी फरार वहां पर हो जाते हैं। ठीक है, मैं आपके पास भी आऊंगा दोबारा। बलवान पुनिया जी, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफी देर नहीं होगी आपको लगता, बलवान पुनिया जी, ठीक है मैं आऊंगा आपके पास आऊंगा। बलवान पुनिया जी, आप लोग तो एक विपक्ष में मजबूत तरीके से आवाज उठाते हैं, काफी देर नहीं हो गया लगता कि आप लोगों को आवाज बुलंद करने में? यह काम 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था, थाना गाजी के बाद से ऐसे हालात ना बनते, सरकार पर दबाव बनता, तो अगर सरकार नहीं सुन रही तो में कोई दौरा नहीं। राजस्थान की विधानसभा में कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई थी, थानागाजी की जो घटना हुई, घटना के बाद जो असली जो चेहरा, समाज का विकृत चेहरा जो सामने आया कि बलात्कारी एक वीडियो अपलोड करते हैं और जश्न के रूप में बलात्कार करते हैं, तो निश्चित तौर से हमें दुखजोर देने वाली घटना थी। ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी कांग्रेस राज तक सीमित नहीं रह गई, जैसा कि हमारे साथी चर्चा कर रही है, लड़ाई समाज की लड़ाई बन गई है, इसको समाज को मिलकर के लड़ना पड़ेगा। रही बात पुलिस का चेहरा जो हमारे सामने है, पुलिस माल वसूलने में लगी हुई है और ऊपर से लेकर नीचे तक जो कटारिया जी पिछली सरकार में बयान देते थे कि मेरे बस की बात नहीं,
सुनिए जी, शायद आपके फोन का स्पीकर ऑन है इसीलिए आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही। मैं चाहूंगा स्पीकर ऑफ करके आप बात अपनी बात रखें। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि लगातार जो स्थिति राजस्थान में बन रही है उसके हमें मजबूती के साथ मैदान में उतरना है और हम उतरेंगे। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुझाव भी दिए हैं, थानेदार बदलना, एसपी को बदलना, डीवाईएसपी को बदलना, ये जागीर थानों को उन्हें समझे वसूली बजाय ये जनता के मुद्दों पर ध्यान दें। मुझे समझ भी नहीं आता बड़े बड़े आज ही देखिए 237 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए, पुलिस में आखिर क्यों ऐसी एक तरह से सुस्ती छाई हुई है? पुलिस जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर भाग रही है बिना वजह की, जहां कार्रवाई नहीं करनी चाहिए वहां पर दम दिखाती है, जहां पर कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर भाग रही है। सुस्ती खतरनाक है, शिखर की घटना। बच्चों को पर पिल पड़ना, बच्चों को पीटना, राजस्थान विश्वविद्यालय में बच्चों को पीटना, पीटीआई जो आज मांग कर रहे थे उनको पीटना पुलिस के लिए शोक बन गया। बदमाशों के आगे पुलिस छुप जाती है, थाने की छत पर जाकर के बैठ जाती है। हम समझते हैं अगर पपला गुज्जर के सामने कोई शहीद हो जाता तो हम सल्यूट करते पुलिस को, लेकिन जिस तरीके से छत पर जाके इन्होंने अपना ये कायर दिखाया है, पुलिस का जो मनोबल टूटा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ खनन माफियाओं को पालने में लगे हैं, वो माफियाओं को पालने में लगे हैं, ये खतरनाक है। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, हम सब लोग मिलकर के इनको इससे बाहर निकालें। सर ये चीजें तो पिछले सरकार में भी आरोप लगते रहे, लेकिन सवाल ये है कि पिछली सरकार में क्या वाकई में इस तरीके से अभी तो शुरुआत है सर। कहा जाता है कि पूत के लक्षण पालने में ही दिख जाते हैं सर। 9 महीने की सरकार में अगर ये हालात है तो 5 साल आम जनता कैसे झेल लेगी? हम मजबूती के साथ सरकार के ढीलापन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को चेताएंगे और इन वरिष्ठ अधिकारियों को सबको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। अरे यहाँ तक की बात है, अब आप कानून व्यवस्था बनाने की बात कहो तो ये कहते थे हमारे पास ये संसाधन नहीं, ये संसाधन नहीं, ये संसाधन नहीं। संसाधनों की आड़ में जो लूट मचा रखी है, इस लूट के खिलाफ हम सबको मिलकर के लड़ना पड़ेगा। अपने सही कहा, डीजीपी का कार्यकाल बढ़ जाता है, लेकिन सर आम जनता जो उम्मीद कर रही थी वो नहीं पूरा किया जा रहा है। ठीक है गोरसिया साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बिल्कुल उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, इसमें कोई दोरा नहीं। जनता जो उम्मीद थी सरकार बदलने के साथ, जो सर जनता तो कांप रही है। ठीक है आप लोगों ने आवाज बुलंद की, अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है कि देर हो गई है। 8-9 महीने की सरकार में इस तरीके से हालात बन जाना वाकई में सोचना पड़ेगा डिप्टी सीएम को भी, सीएम को भी और डीजीपी साहब को भी। राजस्थान का किस तरीके से नाम वो लोग बदनाम कर रहे हैं ये समझना पड़ेगा। दूसरे मुल्क, दूसरे राज्यों के लोग सोचते हैं, सुनते हैं तो क्या कहते हैं कि राजस्थान में आखिर किस तरीके के हालात बने? लोग आना बंद कर देंगे इस तरीके से हालात बनेंगे। ठीक है गोरसिया साहब, जयपुर को हेरिटेज सिटी का नाम दिया गया, पोत के पैग पालने में ही दिख जाते हैं। हाँ सर, पोत के पग पालने में ही दिख जाते हैं। सरकार जब से आई है तब से एक एक रिकॉर्ड बनाती जा रही है। सब पूरे राजस्थान भर के अंदर देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से माफिया साहसी हो रहे हैं, गुंडे लोग अपने सीमाएं पार कर रहे हैं, इसके बावजूद पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है। इसके पीछे क्या है इस पे जाना पड़ेगा अपन को। कहीं ऐसा तो नहीं है जो लग भी रहा है कि कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का संरक्षण माफियाओं को मिला हुआ है और उस संरक्षण के चलते वो बहुत साहसी हो रहे हैं। पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि उनको डर लगता है कि उनका तबादला हो जाएगा। इनका कहना मानना पड़ेगा। इसलिए मैं मेरे को ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस के जो थाने हैं उनको कांग्रेस के नेताओं के प्रभाव से मुक्त करना पड़ेगा। कांग्रेस के एमएलए के कहने पर किसी थानेदार का ट्रांसफर वगैरह का सिस्टम बंद करना पड़ेगा, तब थाने काम कर पाएंगे। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। राजनीति को समझते हैं, मुझे याद है कि 3 महीने पहले मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया था कैमरे पर, उन्होंने कहा था कि अधिकारियों को पूरी तरीके से छूट है, अगर कोई नेता अपने मनमानी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करवाता है, किसी की गलत तरीके से पैरवी करता है तो उस पर शिकायत तुरंत होनी चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की बातों को अगर आप बोल रहे हैं तो वाकई में कोई मानने को तैयार नहीं क्या? जमीन पर वो छूट दिखाई नहीं दे रही। हर थाने क्षेत्र के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं जी, इसलिए
इसलिए थानों को छूट दी जा रही है सरकार की तरफ से, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि कहीं भी देख लीजिए, कहीं भू माफिया सक्रिय हो रहे हैं, कहीं बजरी माफिया सक्रिय हो रहे हैं, कहीं लूटपाट बढ़ रही है, और फिर ये जो धर्म के चश्मे से देखना, जाति के चश्मे से देखना, ये भी सरकार को बंद करना पड़ेगा कि फला इस जाति का है इसलिए उस पर रहम की जाए, ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया जाए पुलिस के ऊपर, फला अपराधी इस समुदाय से है, इसी इस टाइप की राजनीति तो राजनीति का बेड़ा करके गर्क कर दबाव बनाया तो हमारे वोट बैंक प्रभावित होंगे। चश्मा जो चढ़ा लिया जाता है अलग अलग चीजों का, उसी चश्मे की वजह से राजनीति और आज आम जनता का जीवन भी असुरक्षित होता जा रहा है। सैनी साहब, आपका रिएक्शन चाहूंगा। मुख्यमंत्री कहते कुछ और, जमीन पर कुछ और हो जाता है। डिप्टी सीएम कानून व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि हमें और मजबूत बेहतर करना होगा। आखिर सरकार चला कौन रहा है और कानून नाम की चीज है कहां राजस्थान में, किस कोने में पड़ी हुई है? जनता कहां जाए, किसके सामने जाए? संजय, वस्तु स्थिति बहुत अलग है। हाँ। उसको समझने और जांचने की जरूरत है। किसी की वकालत करने से किसी को नहीं सर। सैनी साहब, सैनी साहब, मेरा यही सवाल है, आम जनता से राजनीति से क्या मतलब है सर? पिछले आम जनता से राजनीति से क्या मतलब है? कोई गुलाब पे जा रहा है, मारने लग रहा है, कोई लड़की अगर जा रही किसी के साथ, उसका बलात्कार, उसका रेप, उसका गैंगरेप कर दिया जा रहा है। मंत्री किस कदर लाचार था वो देखो जरा। बिल्कुल लाचार है, नहीं लाचार ये हालात तो अब तक राजस्थान में इस तरीके से हमने अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, हमने जातियों को कभी बिल्कुल नहीं, बाकायदा जातियों को प्रोटेक्ट करने का सिलसिला चल रहा है। मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। और कांग्रेस, आप हिंदू मुस्लिम करते रहो तो उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहते। सांप्रदायिक उन्माद सबसे ज्यादा कांग्रेस के शासन में हमारे लोगों को लगता है। सैनी साहब सुनिए, पहलू खान को हमने देखा। नहीं, पहलू खान ठीक है सर, मैं उस पे आता हूँ, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। हरीश जाटव नहीं दिखता, वो भी आता है याद, वो भी आता है, दोनों आता है याद, लेकिन पहले पहलू का हुआ वो इसलिए याद आता है। आप लोग कुल मिलाकर के मुश्किल ये है कि आप लोग न्याय तो नहीं, ठीक है। अलका जी एक सेकंड, अलका जी एक सेकंड, कुछ ने कुछ रंग अलका जी एक सेकंड। सैनी साहब हकीकत, सैनी साहब नहीं करना चाहते, सैनी साहब इसी टाइप की राजनीति के चलते बिगड़ रहा है समाज को। सैनी साहब, सैनी साहब, बीजेपी कांग्रेस अलग अलग टाइप की राजनीति कर रही, इसी के चक्कर में पहलू खान भी मरता है, इसी के चक्कर में हरीश जाटव भी मरता है, इसी के चक्कर में पत्रकार भी पिस रहे, हत्या कर दी जाती है, उसके बाद मामला दूसरी तरीके से घुमा दिया जाता है, पत्रकारों को थाने में जाने से रोक दिया जाता है। भाई आप लोग राजनीति करिए क्या मतलब है, लेकिन जनता को आपने वादे किए कम से कम उसको तो पूरे करिए। पीटने भी लग गए। अब देखिए संजय जी, अब तो पीटने भी लग गए। हमारा ये मानना है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती और अपराध के मामले में राजनीति भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि इन जातियों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं राजनेता, पूरा वातावरण प्रोटेक्ट कर रहा है राजस्थान का, देखा है कांग्रेस गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है जो बता रहे हैं कि कांग्रेस के साथ रही है और जाति के आधार पर जो अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं उसको बाहर किया जाना चाहिए, संगठन बनाने चाहिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बनानी चाहिए, सब कुछ होगा वरना नहीं होगा। सैनी साहब, मेरा सवाल सरकार कर क्या रही है सर? कोई सरकार झगड़ों में नहीं फंसी, अपने जन संगठन बनाओ और कुछ नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में भी दिक्कत है और कांग्रेस के साथ में भी है, दोनों जातियों के साथ में अपने आप खड़ा करना चाहते हैं। इनकी सारी राजनीति करते ही नहीं है सैनी साहब, जम के करते हैं, जम के कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। ठीक है, आज में आने की बात जो पार्टी देखिए यही चीज है, जब जमीन पर जाती है तो हालात बिगड़ते जाते हैं। पुनिया साहब, मैं रिएक्शन चाहूंगा बीच में आपका, हर जगह आप दोनों लोगों को सुन रहे हैं, बीच में चाहूंगा रिएक्शन आपका। आप लोग, आप जिसकी वकालत कर रहे हैं उनको वकालत राय दे, मैं आपकी भी कर रहा हूँ कि आपका जो सत्यानाश हो रहा है, जो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो डेमोक्रेटिक पार्टी नजर नहीं आती। हमारी पार्टी तो डेमोक्रेटिक है और नहीं है, आपका न कोई अध्यक्ष है न कोई आपकी बात सुनता है, आप लोग एक ही राग आते हो उस राग के। दुनिया साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, और क्या, सब कुछ है। अरे गुलाबचंद कटारिया के बारे में बोलूंगा तो फिर वही बात आएगी ना। गुलाब सर बोलिए ना खुल के। गुलाबचंद कटारिया ही घेर रहे सबसे बड़ा चेहरा है उनके पास। मैं तो चाहता हूं कि आप सर बोलिए, लोगों के बारे में आनंद प्रताप सिंह भूल जाएंगे क्या हम लोग? सबसे बड़ा चेहरा है उनके पास और वो वही रिकॉर्ड बोल रहे हैं जो रिकॉर्ड नहीं, सारा रिकॉर्ड है, औरतों के बारे में बैठकर यहाँ पर जवाब ही तो मांग रहे हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता तक नहीं आते। बताइए, यहाँ पर बलवान पुनिया साहब, मेरी आवाज आ रही है?
बिल्कुल आ रही है ये उनकी गलती है, उनको आना चाहिए, उनको बोलना कितना चाहिए, दुखदाई उनको मानना चाहिए कि हमारे जनसंगठन कमजोर हो गए। बलवानपुरिया साहब सब कुछ हो रहा है, कितना दुखदाई है कि कानून व्यवस्था राज्य में अपना मैनिफेस्टो लागू करने को लेकर सोनिया गांधी दिल्ली में मुख्यमंत्री को बुलाकर मीटिंग कर रही है, लेकिन 9 महीने 10 महीने की सरकार के साथ ऐसे हालात बन चुके हैं। असल में जनप्रतिनिधियों की और जन संगठनों की कोई औकात नहीं बची है। आज हमारे अंदर आत्मालोचना करने की जरूरत है। उनके बदमाश हमें संचालित कर रहे हैं। देश में बीमारी, कोई बीमारी एक दिन में नहीं आती है। बीमारियां आई है, रफ्तार आइए, बीजेपी कांग्रेस के सबके कार्यकाल में आइए। जब केरल में राजनीतिक हत्याएं हो रही थी, देश भर में लेख लिखे हैं, आज राजनीति पर रोक लगी है। सुन लीजिए, कभी कभार तीसरे पक्ष को सुनना बहुत फायदेमंद होता है। दूर करना पड़ेगा। अलका सिंह जी, जवाब सबको लड़ करके दूर करना पड़ेगा, नहीं तो ना आप सुरक्षित बचेंगे ना हम सुरक्षित बचेंगे। पत्रकार पीटे जा रहे हैं, छात्र पीटे जा रहे हैं, बेरोजगार पीटे जा रहे हैं, किसान पीटे जा रहे हैं, गुंडे बदमाश मजे कर रहे हैं। ये गुंडे बदमाशों की ना कोई पार्टी होती है, ना कोई जाति होती है, बिल्कुल सही। इसलिए इन चीजों से ऊपर उठ करके हमें इन पर अंकुश लगाना पड़ेगा और पुलिस के मनोबल को ऊंचा करने के साथ साथ पुलिस पर शिकंजा भी कसना पड़ेगा। शिकंजा कसना पड़ेगा, रुपयों में पकड़े जाते हैं, उसके बाद उनको फिर थाने में। ठीक है, अलका सिंह जी जवाब, अलका सिंह जी जवाब। मौजूदा सरकार तो घिर गई है, आप सभी लोग कह रहे हैं कि फेल हो चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से पुनिया साहब सवाल खड़े कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही है कि राजनीति से अगर ऊपर उठकर देखें तो ये तो सब कुछ सही होगा। हमारे लिए सबसे बड़ा संकल्प ये है कि हम ऐसा प्रशासन दें उसके लिए हर जनप्रतिनिधि, हर पार्टी का एमएलए, हर पार्टी का अलका जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए बोलिए, के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, माकपा, इन सबसे ऊपर उठ करके हमें जनता को एक बेहतर माहौल देना पड़ेगा जिसमें जनता कानून पर विश्वास करे। नहीं तो फिर उन्नाव की घटना, नहीं तो फिर दूसरी घटनाएं, थानागाजी की घटना, पपला की घटना, खनन की घटना, ये घटना। अलका जी ठीक है, पुनिया साहब रुकूंगा, मैं आपकी बात समझ गया सर, समझ गया। अलका जी 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, समय कम है मेरे पास, बहुत कम है। मैं संजय जी, बलवान जी ने जो आदर्श वाक्य कहे उनसे बिल्कुल पूरी तौर पे सहमत हूँ, लेकिन हमारी पार्टी का भी ये मानना है अपराधी की ना कोई जाति होती है ना कोई पार्टी होती है, और अपराध जो निरंतर इस सरकार के आने के बाद बढ़ते जा रहे हैं, और जो आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ ये इसी सरकार के दिए हुए आंकड़े हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार तो निश्चित रूप से जो वर्तमान सरकार है वही होगी। गवर्नेंस देना इस सरकार का काम है, लेकिन स्थिति ये है कि इनफाइटिंग में ये उलझे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, ना तो पुलिस पर लोगों का विश्वास रहा है, ना पुलिस इस लायक रही है कि वो काम ढंग से करे। अभी पांच दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था सर, पड़ोसी पांच दिन पहले मैं महाराष्ट्र में था, अलवर में जिस तरीके से अपराध हुए हैं, स्नैचिंग हो जाती है, जब लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने मुझसे कनेक्ट किया, बातचीत शुरू हुई, तो लोग कह रहे थे कि भैया राजस्थान में जाए तो कैसे जाए, डर लगता है। बताइए पड़ोसी राज्यों में, दूसरे राज्यों में राजस्थान की ये इमेज बन गई है 7-8 महीने में। सबको पता है कि अलवर कहां है और अलवर में क्या कुछ होता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस हिसाब से एक के बाद एक घटनाएं होती चली गई है राजस्थान के अंदर, उन घटनाओं ने राजस्थान की इमेज को खराब किया है। ऐसे में सत्ता पक्ष पूरी तरीके से दोषी है ही, लेकिन विपक्ष भी कम दोषी नहीं है। विपक्ष को भी बहुत मजबूती से सरकार को घेरने की जरूरत है, लेकिन विपक्ष की अपनी भूमिका पूरी तरह निभा नहीं पा रहा है। क्योंकि जिस हिसाब से इन मुद्दों को उठाया जाना चाहिए, उस तरीके से हालत खराब कर देनी चाहिए थी सरकार की, सरकार को मजबूर होकर के इनको काम करना पड़ता है। लेकिन इतनी घटनाक्रमों के बाद कोई एक आध आंदोलन ये छोटा मोटा कर पाए हैं, इसके अलावा कोई इनका केडर खड़ा हो पाया है सरकार को घेरने के लिए, कानून व्यवस्थाओं का पालन हो इसके लिए, ऐसा दिखाई नहीं देता। और सरकार को भी जाति वाले चश्मे से ऊपर उठना चाहिए, जाति धर्म के चश्मे से राजस्थान संभालने वाला नहीं है बिल्कुल। राजस्थान संभालना पड़ेगा, समय खत्म है और सोच रहे हैं समय नहीं है, निभाना पड़ेगा कि आखिर किस तरीके से सुधारा जाए। आप लोग अपनी मजबूत भूमिका निभाइए ताकि सरकार के कानों पर जुड़ेंगे, मुद्दा नहीं उठाते। संजय जी अगर हम अपनी मजबूत भूमिका नहीं निभाते तो हरीश जाटव को न्याय नहीं मिलता, हम मजबूत भूमिका नहीं निभाते तो बहरोड़ में जो कार्यवाही हुई है वो नहीं होती। सरकार अभी तक सिर्फ लीपापोती ही सब जगह करती है। आपका 10 सेकंड खत्म है, नाम पर कुछ भी नहीं। अलका जी 10 सेकंड खत्म, सैनी साहब लगातार धरने प्रदर्शन, बुलेटिन खत्म होने वाला है, डिबेट समय खत्म हो गया, इसीलिए 10 सेकंड में मैं चाहूंगा, सोनिया गांधी दिल्ली में इस वक्त मीटिंग कर रही है, डिप्टी सीएम कहते हैं कि अभी कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए,
अविनाश पांडे कहते हैं कि हमें और काम करना चाहिए, ये बताइए बयानों से काम चल जाएगा या लगता है कि सोनिया गांधी से मीटिंग के बाद जब रिटर्न आएंगे मुख्यमंत्री काम करेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये सचमुच में कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक झगड़ा अपने आप में दिक्कत पैदा कर रहा है। इररेस्पॉन्सिबल क्या कहते हैं बयान सामने आ रहे हैं, कतई जिम्मेवारी। आप डिप्टी सीएम है और आप उसके बाद में बोल रहे हैं, आप किसको बोल रहे हैं? बोलिए सीएम के साथ में बोलिए, कैबिनेट के साथ में बोलिए, कांग्रेस पार्टी के साथ में बोलिए, हमें क्या बता रहे हैं? आपको जो ठीक करना कीजिए ठीक, ठीक आप कर नहीं रहे जनता में, आप जनचेतना के बजाय इस तरह से। सर समय खत्म हो गया है, सरकार में जो दो ध्रुवे खड़े हुए हैं सोचना चाहिए, सरकार में जो दो ध्रुवे खड़े हुए हैं ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है सर समय खत्म हो गया, अलका जी माफ करिएगा लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग सड़कों पर उतरिए अगर सरकार नहीं सुनती है। दिन भर जो हमने सवाल पूछा जरा वो भी सुनिए, आम जनता की आवाज ये होती है, सरकार की गंभीरता से सूबे की कानून व्यवस्था में सुधार आ पाएगा? गंभीर तो है, बयान भी आ रहे लेकिन इसके बावजूद गोलियां चल जा रही है, इसके बावजूद पत्थरबाजी हो रही है, ये रुकेगी कब? देखिए 55% लोगों ने कहा बिल्कुल अगर सरकार सोच ले तो सब कुछ है लेकिन सोचे उस पर अमल करे तब। 45% की तो उम्मीद ही नहीं बची है कि वाकई में अब सही हो पाएगा। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, जो बड़े कांग्रेस के पार्टी के ही कद्दावर हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कानून व्यवस्था सुधारना होगा लेकिन जिस तरीके से गुटबाजी की खबर आती है क्या वाकई में वो कहीं न कहीं इस पूरे व्यवधान के पीछे कारण है? अशोक गहलोत सरकार इसके पहले भी रही है, दो बार रही है लेकिन इस तरीके से हालात बदतर नहीं हुए थे जिस तरीके से पिछले 9 महीने में बीते हैं। क्या वाकई में इसको सुधारना एक चैलेंजिंग काम है और मुख्यमंत्री इस पर अमल करेंगे? क्योंकि देश प्रदेश की जनता यही कह रही है कि भैया सरकार हमें सुरक्षित करो, अपने वादे को निभाओ। फिलहाल इस चर्चा